तो बच्चों त्रिकोण मिति का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहता है। याद है आपको ये वाला कार्टून, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। यानी त्रिकोण, अगर इस शब्द को आप तोड़ोगे तो तीन कोण, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब ये हमारे पास में घड़ी की डिग्री के बारे में पूछा गया तो 180 को पाई के डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। स्वागत है आपका अरिवियान में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए बनाते हैं इंटरेक्टिव और पर्सनलाइज्ड लेक्चर जो डिजाइन किए गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, ऐसा चैप्टर जो आपने कक्षा 9वीं 10वीं में तो पढ़ रखा है और आपको कक्षा 11वीं के अंदर भी वो पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो नया चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय फलन। अब बोलोगे सर त्रिकोणमितीय फलन हमने कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ रखा था, इसका 11वीं में क्या उपयोग है? 11वीं में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आप कक्षा 11वीं के बाद में कक्षा 12वीं में जाओगे वहां भी त्रिकोणमिति आएगी, और उसके बाद में जो आपका सपने वाली एग्जाम है, ठीक है, जो आप जहां पे आप जाना चाहते हो उसके लिए आप एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम में भी त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है प्रश्नों के माध्यम से। बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, पर हम लोगों ने पढ़ा था कि गणित में दैनिक जीवन का उपयोग बहुत ज्यादा है, तो त्रिकोणमितीय फलन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? तो बच्चों त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहता है, ऐसा महत्व जो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति प्रत्यक्ष रूप से तो आपको नहीं दिखाई देती पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। जैसे आपने एक मकान बनाने का सोचा, मकान का आप नक्शा बनाते हो तो वहां पे आप एंगल्स लेते हो, ठीक है, नक्शे के अंदर एंगल्स लिए जाते हैं तो वह एंगल्स भी क्या त्रिकोणमितीय फलन के माध्यम से लिए जाते हैं। आप अगर प्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण की मैं बात करूं तो आप साइंटिस्ट बनना चाहोगे, साइंटिस्ट के अंदर भी जब आप रॉकेट यहां से भेजोगे, ठीक है, स्पेस में भेजोगे, चांद पे भेजोगे, तो वहां पे आपको प्रत्यक्ष रूप से त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करने को दिखेगा। ये बात तो हो गई हमारे पास में दैनिक जीवन की। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने त्रिकोणमिति देखी नहीं है। त्रिकोणमिति अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूं, आपने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून देखा था, ठीक है, जब आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा था तो उसमें एक हंसी मजाक के साथ में कई बार आपको त्रिकोणमितीय फलन का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। उस फलन के बारे में हम लोग और जानेंगे, उसके पहले एक छोटी सी बात और हम लोग समझ लेते हैं, वो ये कि त्रिकोणमितीय शब्द है क्या। त्रिकोणमितीय शब्द की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो त्रिकोणमितीय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, त्रिकोण मितीय, यानी त्रिकोण अगर इस शब्द को आप तोड़ोगे तो तीन कोण, मितीय मतलब मापन ज्ञात करना, यानी तीन कोणों के मापन ज्ञात करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय बोलते हैं। ये तो हमने हिंदी शब्द के बारे में जान लिया, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद के बारे में देखें तो अंग्रेजी अनुवाद निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भी यही निकलता है। इसको जब हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो पहला शब्द निकल जाता ट्रिग्नोन, दूसरा आता है मेट्रॉन। ट्रिग्नोन मतलब ट्राई एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट करना, मतलब ट्राई एंगल का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आप लोगों ने शब्द का मतलब तो जान लिया, अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने बचपन में जो कार्टून देखा था टॉम एंड जेरी उसके माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझा। हमारे पास में एक क्लिप है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें याद है आपको ये वाला कार्टून, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी तो एक छोटी सी मजाक वाली बात, पर लेकिन देखा एक मजाक के अंदर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री को कितने अच्छे तरीके से एक छोटे से फॉर्म में समझा। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमें आगे क्या क्या देखना है। अगर मैं कोणों की बात कर लेता हूं तो कोण हमारे पास में होते क्या है कि एक ही समतल में किसी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घूर्णन करने वाले को क्या कहते हैं, हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति जैसे अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे है ये हमारे पास में, ठीक है, यहां से कोई एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो एंगल बीच में यहाँ पे बन रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा कोण कहलाता है। बोलोगे सर ये कोण तो समझ में आ गया, अब ये वाला कोण, देखो कोण क्या नीचे की तरफ में भी जा सकता है ऊपर की तरफ में भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरफ जाए, ऊपर नीचे दोनों की तरफ जा सकता है।
तो ये कोणों का बाइफर्केशन हो गया। अब बाइफर्केशन का शब्द तो निकल के आ गया, तो इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब ये हमारे पास में घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं धनात्मक कोण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? धनात्मक कोण। अगर ये घड़ी की दिशा में ही अगर आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक कोण बोलते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे इससे घबराने वाली बात नहीं है कि धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण क्या क्या होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे भी सही, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, ठीक है, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण कैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने इसकी सहायता से हम लोग इसको समझ गए। अब अगर आगे की तरफ हम लोग बात करें, तो देखो मैंने बोला था कि कोण, वो कोणों के प्रकार के बारे में, तो कोण हमारे पास में एक हमने कोण निकालना सीख गया। कोणों के बहुत सारे प्रकार रहते हैं, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें जो अच्छे तरीके से पढ़ना है वो है रेडियन। रेडियन की अगर मैं बात कर लूं, तो रेडियन एक सर्कल के अंदर जब हमारे पास में यहाँ त्रिज्या दे रखी और दूसरी त्रिज्या दे रखी, जो चाप यहाँ पे काटता है वो चाप क्या कहलाता है हमारे पास में? एक रेडियन कहलाता है। अगर एक रेडियन कहला रहा है तो वो कितना होता है? एक रेडियन बराबर 57296 डिग्री के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, ठीक है, एक छोटी सी बात रहती है। अब आप बोलोगे सर रेडियन, तो देखो आपने त्रिकोणमितीय पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं बार साइन 30 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं बार हम लोग प्रश्न में साइन पाई बाय 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो पाई बाय 6 क्या कहलाता है? वो रेडियन माप कहलाता है, ठीक है, वो 30 डिग्री क्या कहलाता है? वो कोणीय माप कहलाता है। बस इतना सा अंतर है और कुछ कोई अंतर नहीं है। अब बोलोगे सर रेडियन भी समझ लिया, कोण भी समझ लिया, तो क्या हम कोण से रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, रेडियन से कोण में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आइए उसको हम लोग समझते हैं। देखो अगर अंश से रेडियन के ना परिवर्तन की बात करूं मैं, तो क्या बोला जाता है? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो एक डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये बात आपको यहाँ पे समझने वाली बात है और इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब रेडियन से अंश में परिवर्तन की बात करें, तो पाई रेडियन है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, वही वाली बात है। तो हमें क्या निकालना है? रेडियन में निकालना है, तो एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखो अलग अलग फॉर्मूला याद कर लोगे, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है हमारे पास में? पाई रेडियन होता है। अगर रेडियन की बात करेगा तो रेडियन कहना क्या होगा? ये पाई उठ के इधर की तरफ आ जाएगा, और अगर डिग्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री उठ के इधर चले जाएगा। बस इतना सा हमारे पास में यहाँ पे फर्क है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ और देख लेते हैं। ये कुछ डिग्री और रेडियन के बारे में है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसके हम लोगों ने एक टेबल यहाँ पे बना ली है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पाई बाय 6 और 30 डिग्री की, तो ये कैसे निकल के आया? देखो मैंने अभी आपसे बोला था क्या, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन रहता है, ठीक है, मैंने आर से उसको डिनोट कर दिया है। एक डिग्री बराबर पाई अपॉन में 180 रेडियन रहता है, ठीक है। मुझसे क्या बोला गया था? 30 डिग्री, तो यहां पे क्या कर दूंगा मैं? 30 इससे इसको काटा 18, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा? पाई बाय 6 निकल के आ गया है, जो कि हमारे पास में क्या है? रेडियन। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे? पूरे रेडियन को निकाल रखा है। और ये टेबल आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। फटाफट से आप इसका एक स्निप ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है कि सर आपने रेडियन और डिग्री के बारे में तो बता दिया, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए अगर मेरे पास में एक प्रश्न दे रखा है 120 डिग्री रेडियन को अंश में व्यक्त कीजिए, किसमें व्यक्त करना है? अंश में व्यक्त करना है, मतलब रेडियन के अंदर व्यक्त करना है। तो जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे प्रश्न? 120 डिग्री, ठीक है, मेरे पास में ये गिवन था क्या? रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। अब एक डिग्री बराबर ये होता है, तो 120 डिग्री का पूछा गया, तो 120 डिग्री बराबर 0 से 0 कैंसल, 3 चौक 12, 3 छंग 18, यानी 2 और ये 3।
तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2π/3 आपका निकल के यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखा क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को दिख रहा था पर लेकिन कितने साधारण तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे कि 3π/2 रेडियन को अंश में व्यक्त कीजिए। 3π/2 रेडियन को अंश में व्यक्त करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे भी सीख रखा है क्या, जो एक सिंगल लाइन वाली थी बस वही वाली बात हम लोगों को यहाँ पे रखनी है। क्या होता है, एक सौ अस्सी डिग्री, ठीक है, 1 रेडियन = 180 डिग्री अपॉन में पाए। उसे क्या बोला गया था, 3π/2 रेडियन का मान पूछा गया था। एक सौ अस्सी अपॉन में पाए इंटू 3π/2, पाए से पाए यहां कट जाएगा, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा यहां 90, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री आपके पास में निकल के आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, अगर रेडियन के बारे में पूछा गया है तो पाए को नीचे लेके आ जाओ, डिग्री के बारे में पूछा गया है तो 180 को पाए के डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो एक सेकंड में कितने रेडियन बनाएगा, ठीक है, एक सेकंड में कितने रेडियन बनाएगा, दिया तो मिनट में है पूछा सेकंड में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक मिनट में 360 परिक्रमा करता है। तो सबसे पहले एक सेकंड में परिक्रमा की बात कर लेते हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास में, 60 सेकंड होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो देख लेते हैं भैया एक मिनट में एक मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है, ठीक है, यानी 60 सेकंड में कितने परिक्रमा कर रहा है वो 360 परिक्रमा कर रहा है, तो एक सेकंड में कितनी परिक्रमा हो जाएगी, छह परिक्रमा हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अब एक बात बताओ एक सेकंड में कितने रेडियन बनाएगा, एक परिक्रमा में हमारे पास में कितने रेडियन होते हैं। तो जब एक पहिया गोल वाला पहिया यहां से चल के यहां तक में वापस आता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है हमारे पास में 360 डिग्री का। और मैंने आपको टेबल में बताया था कि 360 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते तो कितना देता है वो 2π देता है। फिर से देख लेते हैं हम लोग, रेडियन तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन, तो मेरे पास में कितना पूछा गया था 360 डिग्री का, तो पाई अपॉन में 180 इंटू 360 काट दो तो कितना आ जाएगा यहां से 2π आ जाएगा। चलिए ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई है, तो एक सर्कल के अंदर 2π क्या बना रहा है हमारे पास में, रेडियन बना रहा है। तो ऐसे कितने सर्कल है हमारे पास में, 6 सर्कल है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 6 × 2π 12π के आ जाएगा हमारे पास में रेडियन निकल के आ जाएगी। एक सेकंड में 12 रेडियन का क्या बना रहा हमारे पास में, एंगल बना रहा है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रश्न अब आप लोगों के लिए होमवर्क में है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर की लंबाई वाले चाप को काटता है। तो ये प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, आपको इसका जवाब मुझे लिख के बताना है और अगले लेक्चर में हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो एक छोटी सी बात और बच्चों, हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, कंसेप्ट को समझ भी लिया, अब आपकी बारी आती है प्रैक्टिस की। अब जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी किताबें, आप कितनी किताबें खरीदोगे, मेरा प्रश्न तो यही है आप कितनी किताबें खरीदोगे और कितनी किताबों के साथ आप कितना सॉल्यूशन को देखोगे, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अरिविहान अपने साथ में लेके आया हुआ है प्रश्नों का संग्रह, वो प्रश्न जो आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण है। ये लेक्चर के बाद में आपको नीचे प्रश्नों का बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, अलग अलग किताब लेने की जरूरत तो नहीं है, वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और उन प्रश्नों को आपको क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। वैसे ही आपने सॉल्व कर लिया उसका फोटो खींच के आप अरिव्यान एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दीजिए तो हमारा अरिव्यान का AI उस आंसर को एनालिसिस करेगा और आपको बताएगा कि आपका आंसर कहाँ सही जा रहा था और कहाँ गलत हो रहा था।
और आपको वो सही गाइडेंस भी करेगा, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही आपको ज्यादा किताबों के ऊपर फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि किताबें तो बाजार में बहुत सारी, कितनी किताबें खरीदे, तो अरिव्यान के ऊपर आपको ये सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल जाएगा, और आपकी जो भी परेशानी है, दिक्कत है, आपको उसी ऐप के अंदर वहां पे दिख जाएगी कि प्रश्न में कहाँ गलती हो रही है, और आपको साथ ही साथ हमारा AI उस प्रश्न के उत्तर का आपको सही मार्किंग करके भी बताएगा कि आपकी गलती कहाँ है, और अगर आपका प्रश्न सही है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, और कहाँ पे आप कौन सी स्टेप छोड़ रहे हो, कौन सी स्टेप का कितने मार्क्स कट रहे हैं, ये आपको AI के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको ऐसी समस्या ना देखनी पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिव्यान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिव्यान एप्लीकेशन।